हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आपको इंग्लिश की बुक पढ़ने में दिक्कत होती है, उसका अनुवाद करने में, हिंदी अर्थ निकालने में दिक्कत होती है, तो चलिए आज हम इस दिक्कत को दूर करने की कोशिश करेंगे। आज हमने एक स्टोरी लिया है जिसका टाइटल यानी कि शीर्षक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। स्टोरी शुरू करते हैं। सुभाष चंद्र बोस वॉज ग्रेट फ्रीडम फाइटर। सुभाष चंद्र बोस थे महान स्वतंत्रता सेनानी। सुभाष चंद्र बोस महान स्वतंत्रता सेनानी थे, फुल स्टॉप। ही वॉज ऑल्सो नोन एज नेताजी, विद इन सिंगल नोटेड कॉमा है, देखिए। वह नेताजी के नाम से भी जाने जाते थे, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो नोन एज नेताजी, वह नेताजी भी जाने जाते थे। ही वॉज बॉर्न ऑन 23 जनवरी कॉमा 1897 कॉमा इन अ हिंदू फैमिली इन कटक विद इन ब्रैकेट उड़ीसा, फुल स्टॉप। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को एक हिंदू परिवार में कटक, जो कि उड़ीसा में है, हुआ था, फुल स्टॉप। हिज फादर्स एपोस्ट्रोफियस है, का की के इसका अर्थ होता है। तो उसके पिताजी, हिज फादर्स नेम वॉज जानकी नाथ बोस एंड हिज मदर्स नेम वॉज प्रभावती देवी। उनके पिताजी का नाम जानकी नाथ बोस था और उनकी माताजी का नाम प्रभावती देवी था, फुल स्टॉप। ही वॉज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट इन द स्कूल। वह बहुत ही कैसे छात्र थे, तो बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के छात्र थे, ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, प्रतिभाशाली भी कहते हैं ब्रिलियंट को, ठीक है। तो वह बहुत ही प्रतिभाशाली छात्र थे, कहाँ पे, विद्यालय में, फुल स्टॉप। ही कंप्लीटेड हिज स्कूलिंग फ्रॉम कटक कॉमा मल्टीकुलेशन फ्रॉम कलकत्ता नाउ कोलकाता एंड बीए फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता इन 1918। ही कम्प्लीटेड हिज स्कूलिंग, उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा, मतलब स्कूलिंग मतलब विद्यालय की शिक्षा, कहाँ से ख़त्म की थी, कटक से। फिर मैट्रिकुलेशन कहाँ से किया, 10वीं की परीक्षा कहाँ से की, 10वीं कहाँ से पास की, तो कैलकटा, जो कि अब क्या है, कोलकाता। और बीए फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा इन 1918, 1819 में उन्होंने यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से बीए मतलब स्नातक की उपाधि अर्जित की थी, फुल स्टॉप। लेटर हिज फादर, पैरा चेंज है, लेटर हिज फादर सेंट हिम टू इंग्लैंड टू अपियर इन द इंडियन सिविल सर्विसेज विद इन ब्रैकेट आईसीएस एग्जामिनेशन। हिज फादर, सॉरी, लेटर हिज फादर, बाद में उनके पिताजी ने उन्हें सेंट मतलब भेज दिया, सेंट हिम मतलब उन्हें भेज दिया, कहाँ भेज दिया, टू इंग्लैंड, इंग्लैंड भेज दिया, टू अपियर इन द इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, किसमें शामिल होने के लिए, अपीयर मतलब शामिल होने के लिए, तो इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, भारतीय सिविल को सिविल कहिए, सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने के लिए बाद में उनके पिताजी ने उन्हें इंग्लैंड भेज दिया था, फुल स्टॉप। ही पास्ड एंड ज्वाइंड द सर्विस बट सून ही रिजाइंड फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज एंड रिटर्न टू इंडिया टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम मूवमेंट। थोड़ा बड़ा है, थोड़ा दौड़ के देखते हैं। ही पास्ड एंड ज्वाइन, उन्होंने परीक्षा पास कर ली और ज्वाइन कर लिया, मतलब जुड़ गए किससे, सर्विस से, ठीक है ना, सेवा से जुड़ गए। बट सून ही रिजाइंड, लेकिन जल्द ही उन्होंने रिजाइन कर दिया, उन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया, फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन सिविल सर्विसेज से, भारतीय सिविल सेवा से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। एंड रिटर्न टू इंडिया, और इंडिया वापस आ गए, क्यों वापस आ गए, टू पार्टिसिपेट, शामिल होने के लिए इन द फ्रीडम मूवमेंट, स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए भारत वापस आ गए, फुल स्टॉप, पैरा चेंज। तो ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेशनलिस्ट, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए किससे, जो राष्ट्रवादी थे, कौन थे, देश बंधु चितरंजन दास जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, और वही उनके हिज पोलिटिकल गुरु, वही उनके राजनीतिक गुरु भी थे, फुल स्टॉप। ही मोटिवेटेड द पीपल टू ज्वाइन द फ्रीडम स्ट्रगल, फुल स्टॉप। वह लोगों को प्रेरित करते थे, किस लिए प्रेरित करते थे, कि वह स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़े, कौन, देश बंधु चितरंजन दास जी के बारे में बता रहा है, कि वह लोगों को स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़ने के लिए प्रेरित करते थे, फुल स्टॉप। सुभाष चंद्र बोस स्ट्रांगली अपोज ब्रिटिश रूल थ्रू द न्यूज पेपर कॉल्ड स्वराज। तो सुभाष चंद्र बोस ने बहुत ही कड़े रूप में विरोध किया था, स्ट्रांगली अपोज मतलब कड़े रूप से विरोध किया था ब्रिटिश रूल का, ब्रिटिश शासन का, किसके माध्यम से, थ्रू मतलब किसके माध्यम से, द न्यूज़पेपर, एक अखबार जिसका नाम स्वराज था। तो सुभाष चंद्र बोस ने
एक अखबार स्वराज के माध्यम से ब्रिटिश रूल का, विदेशी शासन का बहुत कड़े रूप से विरोध किया था, फुल स्टॉप पैरा चेंज। ही वेंट अवे टू सिंगापुर एंड फॉर्म्ड हिज ओन इंडियन नेशनल आर्मी। वो सिंगापुर चले गए एंड फॉर्म्ड, और वहाँ पे अपनी खुद की, हिज ओन, खुद की क्या बनाई, इंडियन नेशनल आर्मी बनाई, भारतीय राष्ट्रीय आर्मी, ठीक है, जिसे विद इन ब्रैकेट क्या कहते हैं छोटे फॉर्म में, तो INA कहते हैं, ऑल्सो नोन एज आजाद हिंद फौज, जिसे आजाद हिंद फौज के नाम से भी जाना जाता है, फुल स्टॉप। ही गेव द स्लोगन टू हिज आर्मी, कॉमा विद इन इनवर्टेड कॉमा, दिल्ली चलो। उन्होंने अपनी इस फौज को, यानी कि आर्मी को, क्या स्लोगन दिया था, नारा दिया था, तो नारा वो था कि दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा दिया, और कौन सा नारा दिया था, जय हिंद का नारा दिया था, फुल स्टॉप। ही इंस्पायर्ड हिज आर्मी थ्रू हिज ग्रेट वर्ड्स, उन्होंने अपनी इस फौज को, इस आर्मी को, अपने महान शब्दों से प्रेरित किया था, और वे शब्द क्या थे, कॉमा विद इन इन्वर्टेड कॉमा, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तो हिंदी में भी ये बहुत मशहूर है, आप जानते ही होंगे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा, टू मेक हिज मदरलैंड फ्री फ्रॉम द रूल ऑफ द ब्रिटिशर्स। अब ये नारा क्यों दिया था, तो टू मेक, कराने के लिए, हिज मदरलैंड, अपनी देश भूमि को, अपनी मातृभूमि को क्या कराने के लिए, आज़ाद कराने के लिए, फ्रॉम द रूल ऑफ द ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के शासन से आज़ाद कराने के लिए, हम अपनी मातृभूमि को, ये नारा उन्होंने दिया था, ये स्लोगन उन्होंने दिया था, फुल स्टॉप पैरा चेंज। इट इज़ बिलीव्ड दैट नेताजी डाइड इन ए प्लेन क्रैश इन ताइवान इन 1945, बट द मिस्ट्री ऑफ हिज डेथ इज स्टिल अनसॉल्व। यह विश्वास किया जाता है, या यह माना जाता है, इट इज बिलीव्ड दैट नेताजी डाइड, कि नेताजी की मृत्यु एक प्लेन क्रैश में, प्लेन हादसे में, ताइवान में 1945 में हो गई थी, बट द मिस्ट्री इज ऑफ हिज डेथ इज स्टिल अनसॉल्व। लेकिन जो उनकी मौत का रहस्य है वो अभी भी अनसॉल्व है, मतलब उसकी गुत्थी सुलझ नहीं पाई है, अनसुलझा है, फुल स्टॉप। नेताजी विल ऑलवेज बी अलाइव विद इन द हार्ट ऑफ एवरी इंडियन एज एन एवर लास्टिंग इंस्पिरेशन। नेताजी विल ऑलवेज बी अलाइव, नेताजी हम, देखिए विल है तो रहेंगे, नेताजी हमेशा जिंदा रहेंगे, जीवित रहेंगे, कहाँ पे, विद इन द हार्ट ऑफ, दिलों में, किसके दिलों में, तो एवरी इंडियन, प्रत्येक भारतीय के दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे, एज एन एवर लास्टिंग इंस्पिरेशन। कैसे जीवित रहेंगे, तो चिर स्थाई प्रेरणा के रूप में, एवर लास्टिंग मतलब चिर स्थाई, इंस्पिरेशन माने प्रेरणा। तो नेताजी प्रत्येक भारतीय के दिल में एक चिर स्थाई प्रेरणा के रूप में हमेशा जीवित रहेंगे, फुल स्टॉप। तो ये थी हमारी छोटी सी स्टोरी, होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, आप जो वर्ड्स टफ लगे उसको आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, और उसको भी स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आगे जो भी स्टोरी या जो भी कंटेंट या जो भी वीडियो मैं डालूंगा वो आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा, लाभदायक ही होगा। तो थैंक यू।